नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जम्मू के डोगरा चौक में हमारे पीछे देखिएगा चौथे पीसीसी के जो नए प्रेसिडेंट है श्री तारिक हामिद करा जी, उनका आज यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। जम्मू के एयरपोर्ट से होते हुए वो शहीदी चौक पार्टी ऑफिस में पहुंचेंगे और ये कार्यक्रम जो इस समय संजीव शर्मा पांडे ने सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचे हुए तारिक हामिद करा, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है और वहीं पर हर पार्टी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कूदने के लिए मैदान में पूरी तरह। वहीं पर अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, बिल्कुल इलेक्शन से ठीक पहले जो प्रेसिडेंट प्रधान उन्हें चेंज किया गया उसकी जगह जो है तारिक हामिद करा जो उन्हें लाया गया। चलिए संजीव जी से बात करते हैं। संजीव जी क्या कहेंगे? हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस हाईकमान जो भी फैसला करेगी फर्म आते हुए है। जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला किया है, आज सारी हमारी लीडरशिप नाम उसका की हमीद करा साहब, वीर साहब, पराचंद जी, रमन बल्ला जी, सारे सारे आज उनके साथ आ रहे हैं। तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में जोश है। यहाँ पर जाते हुए पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे और इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस जो कार्यकर्ता नेता है यहाँ पर डोगरा चौक में खड़े के खड़े, यहाँ तो रुके भी नहीं करा साहब के, आपका कम से कम दो मिनट दो सेकंड तो रुकते कम से कम। आप इतना आज देखो आज इस तरीके से जिस तरीके से हम स्वागत कर रहे हैं, इसी तरीके से हर जगह स्वागत हो रहा है। आज कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से आज सारी लीडरशिप हमने देखी है, सारी लीडरशिप मिलजुल के आज पार्टी के साथ खड़ी है और एक नया जोश है। तो इस तरीके से आज लगता है कि आज जगह जगह पे आप देखिए आगे भी कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े जोश से अपने इलेक्शन में किस तरह का चैलेंजिंग रहेगा आने वाले असेंबली इलेक्शन की बात करें। इस इलेक्शन में कोई चैलेंज नहीं है, जनता जो है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को स्मार्ट मीटर, ओल्ड एज विडो पेंशन लोगों की बंद कर दी, जिस तरीके से उन्होंने लोगों का जो राशन है उसकी उन्होंने जो तादाद कम कर दी, और जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा एक दहशत का माहौल हो रहा है, हर जगह रोज कहीं ना कहीं की जो मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं और जो बेरोजगारी है, जिस तरीके से बड़े वादे किए थे, आज जनता इंतजार में है कि कब चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का जो एक जो कुशासन था, जिस तरीके से उन्होंने जनता को बिल्कुल एक की परेशान कर रखा है, जनता उनका जवाब देने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि इस बार सरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की होगी, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिनका एक ही मकसद है, झूठ बोलो और जोर से बोलो। वो तो 400 पार का नारा भी देते थे, तो आज क्या 400 पार हो गई? तो ये सिर्फ एक ये बड़े बड़े नारे देते हैं, लेकिन ये जनता इनकी बात में आने वाली नहीं है। और जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पर 40 बार ही लखनपुर के पार होगी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लखनपुर के पार होगी और समय देख रही है मंत्रीगण जो यहाँ से जाते हुए कांग्रेस पार्टी के और वकार रसूल जब याद है बताना चाहेंगे, वकार रसूल की बात करें वो तो रुकते थे, वो मीडिया से बात करते थे, मुखातिब होते थे, अपने समर्थकों से बात करते थे, पर करा साहब तो ऐसे गए हैं जैसे पता नहीं, हमें भी समझ नहीं आई करा साहब जो है इतना आते ही इनका हाई हेडनेस किस लिए, कि इन्हें ऐसे लग रहा था कि आज ही मंत्री बन गए और शपथ लेने जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल हमारे कड़वे रहते भले ही, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम लोगों को शायद ये लगता है कि
कि हम लोग ये भी कहते हैं कि हम कांग्रेस की तारीफ करते हैं, भाजपा के खिलाफ हम किसी के खिलाफ नहीं है, जो सच होगा वो ही दिखाएंगे, चाहे कड़वा हो चाहे कुछ भी होगा। तो इसीलिए आज आपने देखा कि हामिद करे जो हैं इनके JKPCC के नए प्रधान जो हैं, यही से पता चलता है एक अच्छे नेता की। क्योंकि अगर बात करें वकार रसूल की, अगर बात करें और जब भी इस तरह से उनका स्वागत होता था, वो बात करते थे, मीडिया से बात करते, ना भी करते कम से कम अपने समर्थकों के लिए खड़े रहते थे। पर आज जो अमित करा जी हैं वो ऐसे निकले हैं जैसे ना वो अपने समर्थकों को जाते हैं, जैसे ना वो अपने समर्थकों को जानते हैं, ना ही वो किसी से बात करना चाहते हैं। अब किस लिए ये हमें नहीं पता, पर फिलहाल अभी जो उनका काफिला गया है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफिला जा रहा है, कांग्रेस के नेता जा रहे पार्टी ऑफिस, चलिए जानते हैं और बात तो करेंगे। कुर्सी मिलते ही, कोई पद मिलते ही लोगों की इसे आंखें क्यों बदल जाती हैं? भाजपा के बड़े बड़े नेतागण, केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे थे, वो नहीं इतना, इनकी गाड़ियां इतनी तेजी से नहीं गई जितनी करा साहब की गाड़ियां गई हैं। तो रुकना चाहिए था, उनके समर्थक खड़े थे वहां पर निहार पहनाने के लिए, 2 सेकंड का भी समय नहीं दिया और भागते चले। यही चीजें होती हैं जो जनता को हम दिखाते हैं और जनता उसे अपील होती है, जनता को पता चलता है सच क्या है और झूठ क्या है। चापलूसी हम किसी भी पार्टी की ना करेंगे ना करते हैं, जो सच होगा वो भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारा अनुभव के आधार पर हम बात करते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमने बड़े बड़े नेताओं के, चाहे कांग्रेस के हों चाहे एनसी के हों, इस तरह से उनको भागते नहीं देगा। पहले भी जो बताना चाहे वकार रसूल जी थे, पहले भी वो आते थे वकार रसूल जी पहले भी, और देखिए ये विक्ट्री दी पर विक्ट्री दिखाते हुए महिलाएं भी हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं काफिला काफी लंबा है और यहाँ पर पार्टी ऑफिस की ओर जाते हुए वो देखिए गाड़ियों में लोग वेव कर रहे हैं। इस समय के दृश्य करा जो नए JKPCC के प्रेसिडेंट होंगे, और पहले आपने देखा वकार रसूल थे, और वकार रसूल जहां पे भी होते थे उनसे बात की जाती, वो बात करते थे। उस समय जो उनका भव्य स्वागत किया गया, हर जगह पे रिसेप्शन दिया गया, सतवारी एयरपोर्ट से लेकर उनके ऑफिस तक जगह जगह उनके समर्थक खड़े थे। पार्टी के कार्यकर्ता है, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, इसी तरह से उनका स्वागत किया जाता है। पर नेतागण कहा है कि लोगों की जो उम्मीदों पर पानी ना फेरे, क्योंकि यहाँ से निकलते हुए करा साहब ने 2 मिनट भी नहीं देखा कि मीडिया खड़ा था, उनके समर्थक हार लेकर बेचारे पता है सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, लोग बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन भी हैं, 5 मिनट कम से कम इनके साथ खड़े होते, इनसे सलाम दुआ करते, फिर आगे को जाते। पर नहीं जनाब, JKPCC के प्रेसिडेंट बने लगे हैं, देश के प्रेसिडेंट भी बने हैं ना, आप अभी इलेक्शन बाकी हैं जनाब, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो कोई भी हो, डाउन टू अर्थ ही लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं जनाब। तो करा साहब तो ऐसे भागे हैं जैसे पता नहीं कोई कौन सी जंग लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को जो बेचारे हार लेके खड़े थे, हमने खुद देखा, उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। क्या एक नेता को ऐसा होना चाहिए? हमने और भी जगह कवर किया, एनसी में कवर किया है और भाजपा में भी कवर किया है, और माना यहाँ पर कांग्रेस में भी हमने कवर किया। वकार रसूल जब थे, उससे पहले गुलाम अहमद मीर जी थे, उनसे भी बात करते, वो भी बात करते हैं। पर करा साहब तो ऐसे गया, चाहे
चलिए देखते हैं क्या किस वजह से गया। पार्टी ऑफिस में शायद कार्यकर्ता नेता इनका इंतजार करेंगे। फिलहाल आज जो है कांग्रेस पार्टी के नए जो प्रेसिडेंट है JKPCC के, यानी कि बताना चाहेंगे तारिक अहमद करा, आज उनका भव्य स्वागत किया गया सतवारी एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक, क्योंकि सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी है इलेक्शन की और अब हर कोई पार्टी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए फिर से तैयार है। सभी सियासत की रणभूमि में, चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। अब होगा चुनावों का घमासान, वेट कीजिए 18 तारीख को और उसके बाद 4 को होंगे रिजल्ट। 18, 25 और 1 अक्टूबर को होंगी इनकी किस्मत के पिटारे, जो कि बैलेट बॉक्स में बंद, और 4 तारीख को खुलेगा किस्मत का पिटारा। ये जनता पर निर्भर है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।